तो गाइज मैं आपको दिखाता हूँ बैंकॉक के मैड मंकी का आपको हॉस्टल कैसा मिलता है। ये देखो इस तरह से कुछ हॉस्टल है, ये इस तरह से बेड मिलते हैं। ये पूरा एक आपका बेड है सिंगल, इसमें आपको ओढ़ने के लिए चद्दर मिलती है, वहाँ आपका स्विच बोर्ड लगा है, लाइट वहाँ पे है। ये था मेरा बेड 2 नंबर, और ये कुछ लॉकर्स हैं यहाँ पे, सामान वामान रखो अंदर। ये देखो, और यहाँ पे अपना आपके पास ताला होना चाहिए लगाने के लिए, अगर आपको सामान चाहते हो इम्पोर्टेंट सामान सेव करना। यहाँ पे लगा एक मिरर, अंदर ही है कॉमन वॉशरूम, वॉशरूम स्पेशियस है, और उसमें आता है गर्म ठंडा दोनों पानी, जैसे कि मैं अभी गर्म पानी से नहाया हूँ। तो ये है मैड मंकी बैंकॉक का, अगर आप आते हो यहाँ पे स्टे करते हो तो आपको पता होना चाहिए किस तरह से अंदर का हॉस्टल है। चलो गाइस मिलते आगे। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका नए सफर एडवेंचर में। जैसा कि आप देख रहे हो सामान मन कर लिया मैंने पैक, मैंने अपना कर दिया हॉस्टल चेकआउट। अब मैं जा रहा हूँ जहाँ से मैंने कल किया था पैकेज बुक, उनके पास रखाऊंगा सामान और फिर जाते हैं आगे कहीं पे घूमने, कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करने, देखते हैं। वैसे मेरा मन तो है MB का सेंटर एक्सप्लोर करना, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि MB के सेंटर को एक्सप्लोर करो बट फ्लोर वाइज बता दो कि हर फ्लोर पर क्या क्या वहाँ पर मिलता है और कितना सस्ता मिलता है। तो सोचो MB के सेंटर जाओ या फिर अदरवाइज कोई दूसरा प्लान देखते हैं। तो मिलते सीधा आपसे अभी निकलने के टाइम पर। तो गाइस सोचा कुछ इंडियन खाना खा लूँ, खाओसान रोड जाते थे बीच में एक शॉप पड़ गई, शॉप देखो ये वाली है बॉम्बे वाइट्स बार करके हैं और ये शॉप है, तो यहीं पे सोचा कुछ खा लूँ। मैं दिखाता हूँ आपको अंदर से कैसा एग्जैक्टली, ये देखो यार ये इनका रिसेप्शन एरिया है, वहाँ हिंदी गाने चल रहे हैं, कॉपीराइट का आ जाएगा प्रॉब्लम। तो खाते हो फटाफट, देखते हैं टेस्ट कैसा है, बताऊँगा आपको बाकी। फिर अभी तो बहुत टाइम है यार मेरी बस में जाने के लिए, तो सीधा मिलेंगे आपसे उस टाइम पर अभी जब मैं कहीं एक्सप्लोर करने निकलता हूँ आगे की तरफ। तो गाइस ये आ गया हमारा आलू का पराठा, साथ में चटनी अचार, देख रहे हो बर्तन कितने अच्छे हैं। एक कॉफ़ी ऑर्डर की थी, खा लो तो फटाफट चलेंगे बाहर, बताऊँगा फिर रिव्यूज़ के बारे में आपको कैसा ऐसा खाना। तो गाइस उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था, 100 का दिया आलू पराठा और 50 रुपये की दिया कॉफ़ी। बाकी मैं आपको रिकमेंड करता हूँ वो जो टेस्ट ऑफ इंडिया है ना हाउसन रोड से नेक्स्ट वाली स्ट्रीट पे, आप वहाँ जाओ और वहाँ से खा लो, क्योंकि यार उनका क्या है पराठे के साथ में चटनी दही बहुत कुछ देते हैं वो, और कॉफ़ी क्वान्टिटी बहुत सारी होती है। बाकी मुझे तो इतना मज़ा आया नहीं, आपको मैंने दिखा दिया कि इधर ऑप्शन है। बाकी टेस्ट ऑफ इंडिया खाउसन रोड से नेक्स्ट वे जो गली है उसके अंदर है, बेस्ट ऑप्शन है। पिछले ब्लॉग में मेरे वो वीडियो भी है, आप जाकर देख सकते हो ना खाना। तो गाइस मैंने के कुछ कपड़े बाए यहाँ से, ये देखो यहाँ पे ना ऑप्शंस बहुत सारे हैं, तो मैंने इसमें से एक टी शर्ट ली जो मुझे दी 130 बात की, 9 बात कम करवाएं, और ये 179 है तो मैंने 150 बात पे किया। तो ये है अच्छे क्लोथिंग शॉप्स है रोडों पर ही, खाउसन रोड के टेम पर ही आ रही है। जब खाउसन रोड के जगह पे आप आओगे तो लेफ्ट एंड राइट है बहुत सारी शॉप्स है, कपड़े बहुत सारे अच्छे अच्छे हैं देखो। तो मैंने यहाँ से बाय किया है टोटल 430 में, 2 लोवर 1 टी शर्ट। आप बाय करते हो तो कपड़ा अच्छा है, और प्लस एक थाईलैंड के आपके पास यादें होंगी कि आप थाईलैंड गए थे वहाँ से आप कपड़े लाए थे उनका ट्रेडिशनल क्लोथ। बाकी मिलते फिर आपसे आप आगे सामान रखने के बाद। थाईलैंड में पेट्रोल का प्राइस क्या है पता आप लोगों को, मैं दिखाता हूँ अभी देखो। भाई पेट्रोल आ रहा है गाड़ी के अंदर, वहाँ पर लिखा हुआ है 32.99, मतलब 32.90 33 बात, 33 बात का ये है, और एक्स्ट्रा प्रीमियम है 35.40। तो 36 और 33 बात तक का पेट्रोल का रेट है थाईलैंड के अंदर। अगर आप जाके स्कूटी रेंट करो कार रेंट करो तो आपको इतना पे करना पड़ा 33-34 बात पेट्रोल के। तो गाइस फाइनली मैं आ गया MB के सेंटर, मैंने ले ली थी मोटर बाइक का पे किया मैंने 50 बात, क्योंकि वहाँ से बस भी चलती है खाउसन बस स्टेशन से 113 नंबर, 113 नंबर और 60 नंबर बस का वेट करना पड़ता, इसलिए मैंने ली मोटर बाइक जिसने मेरे से 50 बार। जस्ट मेरे पीछे आप देख सकते हो ये रहा आपका MB के सेंटर, चलते अंदर करते एक्सप्लोर फ्लोर बाई फ्लोर और देखेंगे हाउ एक्सपेंसिव इज़ बैंकॉक, मतलब कितना महंगा बैंकॉक सामान मिलता है, कितना सस्ता कितना महंगा है। तो चलते सीधा MB के सेंटर के अंदर। तो ये कर रहे हैं हम MB के सेंटर में एंट्री। तो गाइज ये है इनका ग्राउंड फ्लोर में खाने पीने की चीज़ें हैं, शूज़ मार्केट है बेसिकली, जो आप इंस्टाग्राम पे बहुत सारे देखते हो ना,
लोग बोलते हैं कि आप कमेंट में बताओ कि कहाँ पे है ये एग्जैक्टली ये यही पॉइंट है, एमबी के सेंटर में ही है ये सारी चीज़ें। और बाकी चलते एक बार अंदर देखो, कपड़ों की शॉप भी है इधर, कपड़े जूते खाना सब चीज़ मतलब मिक्स है इधर, नीचे बच्चों के कपड़े भी हैं। ये क्रॉक्स शॉप जहाँ से मैंने क्रॉक्स पिछली बार बाय की थी, ये देखो ये रही वो क्रॉक्स शॉप, हो सकता है इस बार भी बाय करूं अगर मन किया, क्योंकि तो बहुत खर्चा कर दिया यार सामान, जब से बाय किया जा रहा हूँ अब ट्राई करूँ ना करूं, बैग भी तो बाय करना है, जितना देखो उतना ही मन करेगा बाय करना है बट कोशिश करूँगा कि ना करूँ, अब बहुत सामान हो गया। तो बाकी ये देखो गर्ल्स के बैग वैग, तो यहाँ पर यही शॉप है, हम चलेंगे आप कहाँ पे, फर्स्ट फ्लोर पे देखेंगे है क्या, चलिए मिलते हैं आपसे फर्स्ट फ्लोर। ये शॉप है क्रेयॉन सिंचैन, सिंचैन के बेस पर है, और जो आप बैग देखते हो ना ये वाले जिस पर आप बैठ के एयरपोर्ट पर ट्रैवल कर सकते हो, ये है 30,000 baht के। बाकी सामान देखो, ये देखो वाटर बॉटल 495 baht की है, बहुत मुलायम सी है, सॉफ्ट बॉटल्स, ऐसे यहाँ बहुत कुछ आपको सामान मिल जाएगा, क्रिएटिव सामान है यहाँ पर सारा। ओ ये देखो फैन, प्राइस मेंशन नहीं है इधर कहीं भी, अच्छा 200 baht का लिखा हुआ है। और देखो सिंचैन स्टिकर्स, टी स्टिकर्स, बुक्स, कार्ड होल्डर्स, बस इसी स्टेप शॉप है ये, किताब कॉपी पेन वैन पेंसिल वैन सब सामान मिलेगा यहाँ पर आपको, मतलब जैपनी चाइनीज स्टिकर्स टाइप्स होते हैं ना उस टाइप से सारा जैपनी चाइनीज़ की शॉप है ये, सब कुछ है। ये देखो ऐसे कैमरे भी हैं, और ये इस तरह से पिक्चर्स निकलेगी ऐसे ही लगी हुई पिक्चर्स, ठीक है। प्राइस मेंशन है यहाँ कहीं, मैं देख लेता हूँ अगर है तो, प्राइस नहीं लिखा हुआ है, अच्छा अच्छा 2000 baht का ही है। बाकी आप आओ तो आप बाय कर सकते हो, मुझे भी कैसे कैमरा बाय करना, चलते हो ऊपर और देखते हैं, उस वजह से बाय करके जाऊँगा ले ली कर ली शॉपिंग, मिलते सीधे आपसे फर्स्ट फ्लोर। सेकेंड फ्लोर, और सेकेंड फ्लोर करते एक्सप्लोर, एंट्री करते लेफ्ट साइड में पहले है खाने की शॉप्स, और इस तरफ करते हैं वॉक और देखते क्या क्या शॉप्स हैं। ये है कुछ बॉडी एक्सेसरीज, वॉचेस, ये गर्ल्स का सामान है लेफ्ट साइड पे, चलते आगे और देखते क्या फिर। ये सारी गोल्ड शॉप बनी हुई है, राइट हैंड साइड पे खाने का फूड कोर्ट है, लेफ्ट साइड में ब्यूटी प्रोडक्ट है। शॉप चाइनीज कोरियन फूड, इस साइड है आपका सेम वही चाइनीज कोरियन शॉप फूड, और आगे है फिर गोल्ड शॉप, बेसिक स्नैक्स की शॉप, आम पापड़ चूरन वूरन टाइप चीज़ें यहाँ पर है। इधर है गोल्ड शॉप, देखो भाई गोल्ड के प्राइस है, ये इधर लिखा हुआ है 100 ग्राम है 100 ग्राम, नहीं यार ये गलत है, मैं गलत पढ़ रहा हूँ, एक्सक्यूज मी व्हाट इज द प्राइस फॉर गोल्ड, थाई गोल्ड, ओके 1 ग्राम जो है 2674 baht, वाइट, ओके गाइस ये प्राइस है, थैंक यू। तो गाइस जिस तरह से आपने देखा गोल्ड का प्राइस बैंकॉक का ये है। नाउ गाइस हम हैं अभी थर्ड फ्लोर पे, और थर्ड फ्लोर पे मुझे ऑलमोस्ट गोल्ड की शॉप ही दिख रही है सारी, बाकी करते हैं एक्सप्लोर, दिखाता हूँ मैं आपको कई शॉप्स हैं। गर्ल्स बैग, बॉयज बैग, वही सेम चूरन पापड़, बहुत तगड़ी खुशबू आ रही है यहाँ से,
इंडियन लोग ही काम कर रहे हैं यहाँ पे, सारे इंडियन ने शॉप खोल के इंडियन लोग थाई लोग की शॉप में काम कर रहे हैं, इस तरह से है सारा। आप आओगे तो आपको कुछ लैंग्वेज का प्रॉब्लम होने ही नहीं है, क्यों ऑलमोस्ट लोग इंडियन है तो इंडियन बात करेंगे, बर्मा से है, बांग्लादेश से है, पाकिस्तानी है और इंडियन भाई है अपने। अब हमने एंट्री करी है इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में, सारे ये देखो फ़ोन वोन की शॉप, आईपैड, आईफोन, आईफोन के फर्स्ट कॉपी वाले सामान, चार्जर हो गया, लीड हो गई, हेडफोन हो गया, ये सारा कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा। तो इसको करते हैं एक्सप्लोर, हो सकता है एक आज चीज़ का रेट पूछे और फिर चलेंगे इसके ऊपर फ्लोर पर, तो चलो आप इन्जॉय करो बात। देखो इस साइड आपका, लास्ट टाइम जब मैं आया था यहाँ पे कोई शॉप नहीं थी, अभी सारी शॉप्स खुल चुकी है कपड़ों वपड़ों की, यहाँ पर बहुत दूर तक किसी ने लेकर स्टार्ट कर दिया है। बाकी हम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मार्केट एक्सप्लोर। सी गाइस, आईफोन 12 प्रो है ये वाला, 17,900 baht, 13 है 21,900, आईफोन 14 है 30,900, 128 GB, और 128 GB आईफोन 13 है आपका 16,900। बाकी 7 तो यहाँ पर भी 7 प्रो मिल रहा है 2,500 का, जो वहाँ पे चोर मार्केट में मिलता है 2,500 का, यहाँ पे 2,500 का ही मिल रहा है, 2,500 baht का, रुपये का नहीं, 2,500 baht का कन्वर्ट कर सकते हो करेंसी में, जिस टाइम आप कन्वर्ट करोगे उस टाइम का रेट क्या चल रहा होगा आप देख लेना। बाकी ये पूरी आईफोन आईपैड की मार्केट है, जैसे कि आप ये देखो आईपैड एयर 15,900, 64 GB, तो इस तरह से यहाँ पे है डिफरेंट डिफरेंट शॉप, यहाँ पे सब कुछ मिलेगा आपको बाय करने के लिए, कैमरे वैमरे की एक्सेसरीज़ भी है, ये सारे कैमरे की शॉप्स है इधर। आईफोन के रेट में आपको दिखा रहा हूँ, दिखा दिए हैं, आईपैड के रेट दिखा दिए हैं, ये है कुछ ऑथराइज सेंटर जिधर आपको आईपैड वाईपैड सब सामान मिलेंगे, आईफोन वाईफोन सब मिलेंगे। जैसे एग्जांपल के अगर हम रेट कंफर्म करते हैं तो ये लगा हुआ आपका आईपैड प्रो, जिसका प्राइस आ रहा है, अगर आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो बता देता हूँ मैं आपको, 256 GB है आपका वाईफाई वाला 39,900 का, और 2 TB वाला है 83,900 baht का वाईफाई वाला सर। ये है आईपैड के रेट, और आईफोन 15 128 GB है आपका 32,900 baht, और 256 है आपका 36,900 baht, और 512 है आपका 45,900 baht। 15 प्रो का रेट है 128 GB का 41,900 baht, और 15 प्रो मैक्स है 256 GB 48,900 baht। तो आप रेट को एकदम समझ सकते हो कि किस अकॉर्डिंग कितना महंगा है बैंकॉक, कितना एक्सपेंसिव है। और ये आपके यहाँ पर है आपकी मैकबुक एयर का रेट जो है वो है 28,300 baht, 8 GB 256 रेट ये रहा इसका। इनके रेट इधर लगे हुए नहीं है, Insta360 और आपका ये Insta360 है, यहाँ पर ये आपका छोटे वाला है Insta360 Go 3, तो ये प्राइस हो गए आपके यहाँ के। बाकी चलते हैं एक बार देखते हैं आपका इधर गेमिंग का जो है आपका ये प्ले स्टेशन का क्या रेट है, यहाँ पर चलते हैं सीधा प्ले स्टेशन वाले उस पर शॉप पे। हेलो, प्ले स्टेशन 5 हाउ मच फॉर प्ले स्टेशन 5? सॉरी, डिजिटल है, सीडी यू आर सीडी, CD 18,600 baht. Yes. And VAT refund? Yes. 5% on the airport. Yeah, yeah. And how much for this? 4290. 4290. Yeah. Backbone. Backbone. Okay. Yeah.
वेरी डिफरेंट सेम यप सेम 5% द एयरपोर्ट ओके थैंक यू थैंक्स ब्लॉग तो गाइस ये प्राइस था आपने देख लिया आपका प्लेस्टेशन 5 का भी और मैकबॉक जो था वो वाले का भी प्राइस ये था और बाकी एक्सप्लोर करते कुछ और शॉप्स और देख लेते कुछ रेट और सीधा ये आ गया हम आईफोन का एक और स्टोर है इधर भी देख लेते ये प्रॉपर आईफोन का स्टोर है यहाँ पे क्या प्राइस है आईफोन 13 का प्राइस इधर लिखा हुआ है 24,900 कितना 128 GB 14 का लिखा हुआ है 128 GB 29,900 15 16 तो मुझे अभी यहाँ भी नहीं दिख रहा है लगा हुआ 15 प्रो मैक्स का 48,900 256 GB सेम प्राइस है जो वहाँ पे था कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है प्राइस में आईपैड प्रो है 36,900 का 128 GB और वॉच का प्राइस है आपकी एप्पल वॉच है SE 10,490 यही प्राइस है बाकी तो स्पीकर्स लगे हुए हैं यहाँ पर कुछ अगर आपको स्पीकर्स बाय करने हैं तो देखो 1,990 बाट JBL 5,190 बाट का ये वाला स्पीकर ये वाला स्पीकर है ऑप्शंस बहुत सारे हैं और अगर आपको डीजे वीजे के प्रोक चाहिए वो मैं आपको दिखाता हूँ आगे चल के वहाँ पे लगे पड़े हैं आपके ये वो प्रो भी नहीं लगे यहाँ पे लगे हुए हैं आपके ड्रोन डीजे ड्रोन एयर फ्री फ्लाई 40,490 तो ये था प्राइस आईफोन का सैमसंग का बताया मैंने आपको आईफोन का प्राइस बताया टैब के बताए घड़ी के बताए प्लेस्टेशन 5 के बताए और बाकी चलते हैं और कुछ अगर लेना है तो लेते हैं एक्सप्लोर करते हैं मार्केट ये है लोका मार्केट आप सेकेंड हैंड फ़ोन मिलते हैं और नए भी मिलते हैं बट मैं रेकमेंड करता हूँ यार हर बार जो भी चीज़ लो उसके ऑथराइज सर्विस सेंटर से लो सर्विस सेंटर से रीज़न होता है वारंटी मिलती है चीज़ ओरिजिनल मिलती है लोका जो पता नहीं कैसा चीज़ मिल जाए किस्मत है तो बाकी तो आपका कॉल है मैंने आपको कोई मार्केट दिखा दी रेट दिखा दी कुछ और अगर चीज़ लेता हूँ या कुछ और चीज़ इंपॉर्टेंट होती है एक्सप्लोर करूँगा दिखाऊँगा आपको आगे तो गाइस इधर आईफोन के प्राइस जो है वो देख लो मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ प्राइस जैसे कि यहाँ पे लगा हुआ है ये आपका आईफोन 12 प्रो ये है आपका 16,000 बाट का ऐसे 16,000 और 256 GB 12 प्रो का है 17,000 बाट तो इस तरह से मिल जाएंगे और आपको ये आईफोन 12 128 GB जो चाइना की है वो है आपका 20,000 बाट का मिनी है 12 मिनी 64 10,000 बाट का डिफरेंट प्राइस देखो यहाँ पर है इस टाइप की लोकल शॉप बनी हुई यहाँ से आप बाय कर सकते हो और शॉप का एड्रेस है देखो ये बोइंग ठीक है हेलो तो आप इधर से बाय कर सकते हो तो बहुत सारे प्राइस है मतलब अगर आपको नया नहीं लेना और आपको सेकेंड हैंड बाय करना है ना तो ऐसी बहुत सारी शॉप्स हैं बट ध्यान से पता चले अंदर सामान अच्छा है या नहीं चेंज कर रखा है कैमरा कुछ नहीं पता बट मैंने रेट कन्फर्म किया और मैंने आपको बता दिए तो वो आपका कॉल है मैंने आपको दिखा दिया नए का सेट दुकान से प्रॉपर ऑथराइज सेंटर से और लोकल वेंडर जो आपको सेल कर रहे हैं पुराने सेट और नए सेट्स वहाँ से भी तो बाकी आप देख लो प्राइस मैंने दिखा दिए बता दिए मैंने पहले उनसे पूछा खड़े होके 15-20 मिनट समझा प्राइस क्योंकि 170 लिखा समझ नहीं आ रहा क्या है तो 17,000 बात मतलब हो गए वो 170 का मतलब होता है 17,000 बात इनकी लैंग्वेज का जो उन्होंने मेंशन कर रखा है तो ये रेट था बाकी चलते और आगे एक्सप्लोर करते हैं अब हम आ गए हैं फिफ्थ फ्लोर तो ये है आपका फिफ्थ फ्लोर और एक्सप्लोर करते हैं फिफ्थ फ्लोर एंट्री करते ही फ्लोर पर लेफ्ट साइड जाओगे तो ये कुछ आपकी फ़ोन एक्सेसरीज की शॉप है जहाँ पे आपको फ़ोन का सामान या इलेक्ट्रॉनिक सामान मिलेंगे गेमिंग वेमिंग के रिलेटेड या फ़ोन के कवर और उसके जस्ट सामने है आपके एक ये फूड शॉप जहाँ पे आपको ये खाने वाने की बोगा वोगा सब मिलेंगी इस टाइप है स्टेशनरी शॉप यहाँ पे स्टेशनरी सामान मिल रहा है और अब वैसे मेरे हिसाब से देखा जाए तो हमारे कुछ लाइक चीज़ें नहीं हैं खाने की शॉप्स हो गई और स्टेशनरी हो गई और कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग चीज़ें बाइंग वाली हो गई जैसे कि देखो ये कुछ कोरियन स्टिकर्स डोरेमोन और आपका ये पॉकीमोन गैजेट टाइप
और सामने फिर वही है आपका फूड कोर्ट, खाने की शॉप से आगे सेम। तो अब कुछ बचा नहीं है, चलते बाहर। अब ये फ्लोर ख़त्म, इसके ऊपर वो है कोरियन कैफ़े जो मैंने पिछले ब्लॉग में डाल रखा है, अगर आपने नहीं देखा जाके देख लूँ। बाकी अब चलते हैं इस मॉल से बाहर, आई थिंक अब कुछ नहीं बचा। तो गाइज मैंने सोचा 7th फ्लोर भी आपको दिखाई दूँ, 7th फ्लोर पूरा खाने पीने की शॉप है और कुछ मसाज चेयर लगी जहाँ पे आके मसाज करवा सकते हो अपनी बॉडी पर आराम से लेट कर। तो बचा ये लास्ट ही फ्लोर है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। तो 7th फ्लोर में फूड कोर्ट है, जैसे कि देखो पहली शॉप यहाँ पर पड़ रही है आपकी, पिज़्ज़ा हट है और इधर कुछ ही बबल टीज की शॉप है, इधर ये आपकी जापान की नंबर वन बिग बॉल मतलब जैपनीज शॉप है, और बाकी आगे मैं आपको दिखाई देता हूँ खाने पीने की शॉप। देखो सारे खाने पीने की टिकट वगैरह लगा हुआ है इधर। इधर ये चाइनीज शॉप, चिकन विकन नूडल्स, और चलो चलते एक बार। इधर ये आपको कुछ स्टार्ट होता है लेट्स प्ले, तो गेमिंग वर्ड है ये, जैसे कि बाहर होता है जापान में लोग गेम खेलना बहुत पसंद करते हैं, वैसे गेमिंग वर्ल्ड है ये। देखो आप इधर मशीन में पैसे डालो और फॉर्म भरने की कोशिश करो, सेम टू सेम जापान के अंदर ऐसी होता है और यहाँ पे भी सेम ऐसी बना हुआ है हर जगह। यहाँ पर आप ये देखो इससे निकालना है आपको सामान, ये रहा हैंडल, लोग ट्राई करेंगे, ये बॉल्स है जो निकल जाए आपके लिए। इधर भी कुछ गेम्स है, ये देखो सारे प्ले करने में लगे हुए हैं। सर ये देखो एक तरह देखा जाए ना ये गैम्बलिंग ही है, सट्टा ही है भाई ये, जापान में तो बहुत देखा है मैंने, ये सुना भी है, वीडियो में देखा भी है, बाकी जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो बता रहे थे। ये देखो देख लो गाइस, जापान में तो पक्का होता ही है, यहाँ पे भी है। इस तरह से गन है और सामने ज़ॉम्बी जाएंगे, इनको मारना है आपको। ये देखो कार ड्राइव, वो देखो लोग बंदा ट्राई कर रहा है कुछ निकालने की और वो गिर गया। ये पता क्या होता है, इन्होंने ना वो हैंडल जो होता है उसका लूज़ कर रखा होता है, उस पर पावर डिसाइड कर रखी होती है, वो उठाएगा ज़रूर बट एक दो सेकंड बाद ही उसकी पावर लूज़ हो जाएगी और वो सामान नीचे गिर जाएगा। तो टेक्निक्स है अर्निंग करने के, तो इस तरह से लोग गेम खेलते हैं और कोशिश करते हैं, लोगों को लगता है कि यार निकल तो रहा था गिर गया, फिर दोबारा ट्राई करेंगे पे करेंगे, इस तरह चलता रहता है। यहाँ पर गेम का आपको कार्ड बनाना पड़ेगा, वो कार्ड से आप गेम खेलते रहो और बस आपके कार्ड से पैसे जाते रहेंगे जितना आप उसमें डलवाते हो। बाकी एक बार एक्सप्लोर करते हैं इसको और लाइन को। बने हुए खाने पीने की शॉप्स हैं और बस फाइनली ये ख़त्म होती है लाइन। आगे भी कुछ गेमिंग चीज़ें लगी हुई हैं, देखो खाने पीने की शॉप है, आगे भी कुछ गेम सेंटर्स लगे हुए हैं, मतलब मशीनें लगी हुई है, लोग बैठ के गेम खेल रहे हैं। ये मशीन लगी है यहाँ पर भी सेम गेम्स की, और ज़्यादातर यहाँ पर स्कूल के बच्चा गेम खेलते हैं। बस यहाँ पर ऐसा ख़त्म है, ये देखो सारी मशीनें वही लगी हुई हैं, आप कार्ड टच करो या कॉइन्स डालो और ये मशीन चलेगी, इस हैंडल से बटन दबाओगे मशीन जाएगी उठा के लाएगी, यहाँ पर ड्रॉप करके हम निकाल लो, बट वो निकलता नहीं है क्योंकि मशीन का हाथ लूज़ होता है। बाकी पबजी वाली गेम देखो, बंदे गन लेके कमरे के अंदर छोड़ देंगे और भागो मारो, मतलब गन रियल नहीं होगी बट वो ऐसी होगी कि आपको लाइट लग गई आपके ऊपर, मतलब आप आउट हो गए। चलो बस ख़त्म होता है, 7th फ्लोर लास्ट है, इसके ऊपर फ्लोर नहीं है, अब चलते हैं नीचे। कुछ सामान मैंने देखा जो मुझे बाय करना है, बाय करने के टाइम पे वीडियो ऑन करूँगा, बाकी फिर करेंगे इस वीडियो का एंड। तो गए जो फूड कोर्ट था ना ग्राउंड फ्लोर पर, जब मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया वीडियो के अंदर, उसी फूड कोर्ट में बैठे खाना खाने, ऊपर बहुत कॉस्टली था, नीचे मुझको मिल रहा है चिकन राइस 110 बात में, चिकन विथ एग
110 बात में, और एक कोक लिए मैंने जो मिले मुझे 30 बात की। ये देखो कोक ये ली, और ये इस टाइप शॉप है, यहाँ बहुत सारी शॉप्स हैं, आपको रिजनेबल फूड यहाँ मिल जाएगा, तो आप आओ तो यहाँ भी खा सकते हो। अगर आप एक्सपेंसिव फूड चाहते हो तो ऊपर तो है ही, वो 7th फ्लोर पे भी है और 6th फ्लोर पे भी है। खाते हैं और टेस्ट बताऊँगा आपको खाने के बाद, मिलते हैं आपसे खाने के बाद। तो गाइस ये आ गया फ्राइड राइस विथ चिकन, इसमें अंडा भी है इंक्लूड, और ये मिला मुझे 110 बात का। टेस्ट इनका अच्छा ही होता है थाई फूड का, तो फिर भी मैं आपको खा के बता ही देता हूँ एक बार। टेस्ट अच्छा ही है पहले की तरह, खाते हैं और फिर चलते हैं बाहर और बताता हूँ फिर मैं आपको कहाँ जाना है क्या करना है। तो गाइज मैं आ गया एमबी के सेंटर से बाहर, थक गया, बाहर आके बैठ गया स्टेयर्स पे, क्योंकि 7th फ्लोर पूरा एक्सप्लोर किया है। तो आपको पता चल गया होगा कि बैंकॉक कितना महंगा है कितना सस्ता है, बैंकॉक में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कितने सस्ते महंगे मिलते हैं, खाना कपड़े जूते बैग सब आपको बताया मैंने इस वीडियो में। तो गाइज अब जो नेक्स्ट वीडियो है कोफंगान की, वो मैं अलग कर रहा हूँ, क्योंकि अगर जिसको सर्च करना है बैंकॉक में कितना महंगा सस्ता सामान, उसके लिए अलग वीडियो आ जाएगी। कोफंगान जिसको जाना है उसके अलग वीडियो आ जाएगी, वीडियो मर्ज नहीं होगी, वीडियो बड़ा भी नहीं होगा। तो गाइज वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स में शेयर करो, इससे अगर वो बैंकॉक का है तो वो पहले से पता हो कि बैंकॉक कितना महंगा सस्ता है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। बाकी मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नए सफर पे कोफंगान वाले, जब तक के लिए बाय बाय।